हरियाणा सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू करने के लिए गांव स्तर पर एक बार प्रदेश में पढ़ी लिखी पंचायत चुनी थी, लेकिन अब पढ़े लिखे सरपंच ही सरकार की नीतियों को चूना लगा रहे हैं। मामला फरीदाबाद के गांव प्रहलादपुर का है, जहां पर महिला सरपंच ने गांव में नाली गड्ढे सड़क निर्माण के नाम पर लगभग 1,66,00,000 रुपये का घोटाला किया है। मामला ये है, जो विकास कार्यों के नाम पर जो इन्होंने पैसा दिखाया है वो गांव में फिजिकल जो ग्राउंड पे लगा हुआ नहीं है, कहीं भी कोई काम इस तरीका का नहीं है जो जिस तरीका से बताया हुआ है। तो हमें उसकी निष्पक्ष जांच के लिए हमने आरटीआई लगाई थी सीएम विंडो पे। आरटीआई लगाने के बाद में उसमें एक दो तथ्यों की जांच हुई है, उसके बाद में कोई एक्शन ही नहीं है प्रशासन का। देश और अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप ANB News YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।